गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही जंप सूट लेकर आई हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। और बहुत ही प्यारा सा जंप सूट है। देखिए, मैं आपको इसका फुल लुक दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको ये देखिए, मैंने इसमें हुडी भी बनाया हुआ है। देखिए, इस तरह से बनी वाला हुडी है, ठीक है। इस तरह से ये हुड है, तो बहुत ही सुंदर है। देखिए बैक साइड इसका ये इस तरह से है, बहुत खूबसूरत है। ये स्लीव्स देखिए, आप इसकी देख सकते हैं। और साइज इसका जो है आपके ये 3 साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें ये केबल बनाया हुआ है, और इस केबल का जो डिज़ाइन मैंने बताया हुआ है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ये वाली जो केबल मैंने बताई है, तो आप इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे उस वीडियो में जाके देखिएगा। तो इसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कीजिएगा। इसका ये जो केबल केबल पैटर्न है, ये यहाँ पर नज़दीक से देखिए, ये मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये मैंने गार्टर स्टिच में बनाया हुआ है, ठीक है। 3 साल के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मेरा बच्चा जो है मैंने इसके लिए बनाया है, वो 2.5 साल का है, 2.25 साल का है, और उसको ये बहुत लूज होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये नेक्स्ट ईयर भी उसको आएगा जब वो 3.5 साल का हो जाएगा। अब देखिए इसकी मैंने क्या किया, इसका ये जो बॉर्डर है लेग का, ये मैंने काफ़ी लंबा बनाया हुआ है ना। आगे वीडियो में मैंने इसका मेजरमेंट सारा कुछ बताया हुआ है आपको। अब क्या है ना, अभी जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो आप इसको खोल के भी पहना सकते हैं, तो थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब इस तरह से अभी आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल का है, 2 साल से आप बन के बच्चे को ये साइज आराम से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लूज होगा, लेकिन इतना बड़ा तो हम जो है गुंजाइश लेके ही चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो थोड़ा सा क्या है, एक दो दो 3 साल बच्चा पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने ये बच्चे को कुछ टाइम पहले बनाया था, और ये मेरे बच्चे ने बहुत आराम से पहना है, और एक एक सीज़न पहन लिया, अब इस सीज़न भी वो पहनेगा, अब नेक्स्ट ईयर भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, खोल के भी पहना सकते हैं। और ये देखिए हुडी जो है इसकी, ये देखिए मैंने हुड वाला बनाया हुआ है, बटन भी बनाए हुए हैं, देखिए बटन होल। और बटन होल का जो वीडियो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारी इसमें जो जो पैटर्न, जो जो डिज़ाइन, जो कुछ भी मैंने यूज़ किया है, मैं यहाँ पे आपको सारे लिंक जो है इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके मैंने क्या किया ना, सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो ये जंप सूट है ना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। अब यही 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, उसके बाद फिर जब हम इसमें धीरे धीरे सारी डिज़ाइन सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो जो है 3-4 घंटे का बन जाता है। इतने लंबे वीडियोस जो है कोई देखता नहीं है, और फिर समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए कुछ वीडियोस जो है ना, मैंने सेपरेट डाल दिए हैं, जैसे ये केबल का, गार्टर स्टिच का, बटन होल का, किस तरह से बनाते हैं बटन होल, ये भी मेरे चैनल पर है, शायद इसमें भी मैंने बताया है आगे। और ये देखिए इसका जो हुडी है, देखिए इस तरह से मैंने बनी वाले हुडी बनाए हैं। ये देखिए ईयर फ्लैप बनाई है, ईयर बनाई हुई है इसमें, आप इसको इस तरह से फोल्ड करके पहनेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और एक बात और गाइस, मेरा एक चैनल और है क्रोचिट का, यहाँ तो मैं निटिंग यानी कि सिलाइयों से काम करती हूँ। और अगर आप क्रोचिटिंग देखना चाहते हैं, क्रोशिया के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप मेरे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक जरूर कीजिएगा और एक बार विजिट कीजिएगा, जरूर आपको वीडियो जरूर पसंद आएंगे। और मेरे चैनल का नाम है क्रोचिट एडिक्शन, और जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट किया है, उस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए फिर इसका वीडियो देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से बनाना है। और वूल जो है मैंने इसमें 4-ply वूल यूज़ की है, आगे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, आप वीडियो में देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर, के लिए मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल वूल ली है, बेबी सॉफ्ट वूल है ये, और बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, देखिए। अब इसका कलर कुछ ग्रीनिश सा कलर है, कुछ सी ग्रीन कलर है, लेकिन ये वीडियो में थोड़ा सा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैंने, और गाइज यहाँ पर मैंने ये 10 नंबर की निडल ली है, 10 नंबर की सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं, और मैंने इसमें करीबन नीचे डाले हैं 50 फंदे, 50 स्टिचेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, 50 फंदे मैंने यहाँ डाले हैं। और इसे देखिए, यहाँ से मैंने इसे करीबन 5 या 5.5 इंच का बॉर्डर बना के रखा हुआ है,
अभी मैं आपको यहाँ पे इसका मेज़र करके बता देती हूँ कि मैंने ये बॉर्डर कितना बनाया है। देखिए 6 इंच मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का बॉर्डर बनाया है। और देखिए अब हम यहाँ पर डिज़ाइन किस तरफ से डालेंगे ये देखना है। अभी यहाँ पर डिज़ाइन हम ये देखिए ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमने ये फंदे डाले हैं, ये फ्रंट साइड है, लेकिन ये बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से आएगा तो इसलिए ये बॉर्डर ऊपर उल्टी साइड से ना दिखाई दे, इसलिए हम डिज़ाइन डालेंगे यहाँ पे बैक साइड से। इसको हम यहाँ पर इस तरह से फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे, तो इसे हम अब फ्रंट साइड मान के चलेंगे बैक साइड को। और यहाँ पर एक उल्टा एक सीधे का मैंने ये बॉर्डर बनाया है इस तरह से, ये देखिए। तो एक रो में और यहाँ पर बनाऊंगी, इसी तरह से पूरी रो में कंप्लीट करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक रो यहाँ से निकाल ली है, एक फंदा उल्टा एक फंदे सीधे की। अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड होगा, तो यहाँ से हम फ्रंट साइड मान के चलेंगे और फर्स्ट रो यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 50 फंदे लिए हुए हैं बॉर्डर पे, तो अब हमें फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पे आगे मैं 6 फंदे बढ़ाऊंगी, इसमें 50 मैंने यहाँ लिए हैं तो मैं यहाँ पे 56 फंदे कर लूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से करना है बीच भी, और ये 6 फंदे मैं एक ही सिलाई में बढ़ाऊंगी, एक ही साथ बढ़ाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, हर 3 या 4 फंदे बाद मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये देखिए 1 2 सीधा बुनेंगे हम, 3 4 और इधर मैं एक फंदा बढ़ा लूंगी। ये देखिए एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया, तो यहाँ देखिए 6 फंदे मैंने बुन लिए, 2 4 6। अब मैं यहाँ पे अपना पैटर्न डालूंगी। तो देखिए पैटर्न डालने के लिए मैं यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 12 सिलाई 12 फंदों का पैटर्न है ये हमारा, केबल पैटर्न डालूंगी मैं यहाँ पे। ये जो चुटिया वाला पैटर्न होता है, जिस तरह से हम चुटिया चोटी गूंथते हैं अपनी, वो वाला पैटर्न डालूंगी। और ये वाला पैटर्न मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे क्लियर, यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी आपको डिटेल में, आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इस पैटर्न का। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डिज़ाइन के 4 फंदे ले लिए। चलिए एक फंदा मैं इधर कम करके यहाँ पे पहले मैं एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए 2 4 6 और ये 4 फंदे मेरे डिज़ाइन के हो गए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखिए 12 फंदों का डिज़ाइन है, तो 4 फंदे हमने यहाँ डिज़ाइन के ले लिए। उसके बाद मैं एक सिलाई और लूँगी, तो 1 2 3 4 ये फंदे मैं इस पर उतार लूँगी, और ये 1 2 3 4 मैं ये दूसरी सिलाई पर उतारूंगी, ठीक है। अब ये फंदे मैं पीछे से इधर कर दूंगी, 1 3 4 दूसरी सिलाई पे ले लूंगी, और ये फंदे मैं आगे ले लूंगी, 1 2 3 4। और अब इन्हें मैं नॉर्मल फंदों की तरह ही बनाऊंगी, सीधा सीधा इन 8 फंदों को, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए 2 फंदे हम यहाँ बढ़ा चुके हैं। अब पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, बीच बीच में हम फंदे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ मैं एक फंदा और बढ़ा रही हूँ,
ये देखिए अब मैं यहाँ पे तीन फंदे बढ़ा चुकी हूँ। अब तीन फंदे और बढ़ाने हैं मुझे। अब देखिए एक और बढ़ा देते हैं हम। अब हमें सिर्फ दो फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब हमें सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है। अब मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी। अब मैं काउंट कर लेती हूँ कितने हो गए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
बयालीस, चवालीस, छियालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन। ठीक है, ये हमारे पास 56 फंदे हो गए। अब मैं इनको सीधा बुन लूँगी। बस अब इतने ही फंदे बढ़ाऊँगी मैं यहाँ पे, इससे आगे ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाऊँगी। और अब इसे मैं अपनी डिज़ाइन के साथ सीधा सीधा कंटिन्यू करूँगी। तो देखिए पीछे से हमें किस तरह से बनाना है, देख लीजिए। पीछे से मुझे यहाँ पे सारे फंदे सीधे बनाने हैं, सिर्फ डिज़ाइन वाले 12 फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से, एक, दो, सभी फंदे मुझे उल्टे बना वो सीधे बनाने हैं। डिज़ाइन वाले फंदे तक मैं आती हूँ बुनते हुए। देखिए अब बाकी के फंदे हम 12 डिज़ाइन वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये 12। अब ये 6 फंदे हम धागा पीछे करके सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब फ्रंट से हम नेक्स्ट रो में पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। कोई फंदा हमें उल्टा नहीं बनाना है, पूरी रो हम सीधी ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा उतारेंगे, पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। और इसके बाद वाली रो को हम पूरी रो को उल्टी बनाएंगे, लेकिन ये 12 डिज़ाइन वाले फंदे, वो सॉरी, इसके बैक साइड वाली रो को हम भी हम सीधी बनाएंगे, और ये जो 12 फंदे हैं उन्हें हम उल्टे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, इस रो को पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, नेक्स्ट रो पर मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए हम बैक साइड आ गए, तो बैक साइड में हम फिर से वही करेंगे, पूरी रो हम सीधी बनाएंगे, लेकिन ये जो डिज़ाइन वाले 12 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट रो में किया था वैसा ही करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, हर बार करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कोशिश करूँगी कि छोटे से छोटा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखें। हर तीसरी सिलाई पे फ्रंट से डिज़ाइन डलेगा। अभी हमने इस साइड से पूरी सिलाई सिंपल निकाली थी, लेकिन अब की बार हम
डिज़ाइन डालेंगे। एक बार का सीधी सिलाई छोड़कर नेक्स्ट टाइम में डिज़ाइन डलेगा हमारा। अभी देखिए, अब हम ये 12 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 4 6 छोड़ के, 2 4 6 8 10 और ये 12। धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। धागा पीछे, 6 फंदे सीधे। लास्ट का फंदा हमेशा मैं उल्टा बनाती हूँ, जिससे कि ये जो किनारी है बहुत स्मूथ बन के आती है। ये देखिए, अब देखिए आप इस बार हमारे यहाँ डिज़ाइन डलेगा। तो देखिए 6 फंदे मैं सिंपल बना लेती हूँ। पहले पहला फंदा उतारूँगी, 1 2 3 4 2 4 6। ये देखिए 6 फंदे मैंने सिंपल बना लिए। अभी हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुने थे सिंपल, अब हम 4 फंदे इस साइड के सिंपल बुनेंगे, ठीक है, और इस साइड के 8 फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए अब नेक्स्ट करना क्या है कि ये जो 4 फंदे छोड़े थे इनको अब नहीं छोड़ना है। अब हमें यहाँ से दूसरी सिलाई लेके 4 फंदे पीछे से, ये देखिए इस तरह से 4 फंदे मैं इस पे ले लूँगी। पहले तो 1 2 3 4, उसके बाद ये 4 फंदे मैं इस पे ले लूँगी, 1 2 3 4। अब ये इधर लेके और इन फंदों को मैं आगे ले लूँगी इस तरह से। वैसे आप एक ही सिलाई से ट्विस्ट कर सकते हैं इनको, लेकिन गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे दूसरी सिलाई आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। ये देखिए अब इस तरह से आ गया। अब हम इन फंदों को सिंपल बुन लेंगे सादा, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे गया और ये छोटी सी ऊपर आ गई। अब 4 सिंपल बुन लूंगी मैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। अब बाकी फंदे मैं सभी सीधे ले लूंगी। अभी देखिए मैंने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए, मैं बैक साइड आ गई हूँ। अब देखिए बैक साइड में मुझे सारे फंदे सीधे बुनने हैं, सिर्फ केबल वाले ये जो 12 फंदे हैं वो उल्टे बुनने हैं। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट फिर से वही करना है। ये लाइन हमें पूरी सीधी बुननी है यहाँ से, पूरी जैसे कि हमने इससे पहले वाली लाइन में ट्विस्ट किया था और उससे पहले वाली लाइन में पूरी सीधी बुनी थी, उसी तरह से फिर नेक्स्ट रो हमें पूरी लाइन हमें सीधी बुननी है, लेकिन केबल वाले ये जो फंदे हैं वो हमें उल्टे बुनने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, चलिए मैं आपको इसको बता देती हूँ पहले थोड़ा सा। ये वाली लाइन हम पूरी सीधी बुनेंगे। अभी देखिए ये वाली लाइन मैंने पूरी सीधी बना ली है, पूरी सीधी। अब नेक्स्ट हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब मैं ये पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी, केबल वाले फंदे सिर्फ मैं उल्टे बनाऊंगी, ठीक है। इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये वाली लाइन भी मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट लाइन में किया था सेम वही करना है। हमें पहले 4 फंदे इस साइड बुनने हैं,
उसके बाद ये वाले फंदे हमें पलटने हैं, आठ फंदे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। पहले तो हमें ये छः फंदे बुन लेने हैं। इसके बाद ये देखिए, मुझे फिर से वही करना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये केबल चार बुने थे मैंने सिंपल, जिस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तो देखिए, मैं चार फंदे सादा बुन लूँगी। एक, दो, तीन, ये चार, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये चार फंदे इस तरह से लेने हैं। एक, दो, चार फंदे मैंने ये इस तरह से लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ये देखिए। और इन फंदों को इस तरफ से कर देना है। देखिए, सेम वही जैसे हमने पहले किया था। और इन फंदों को मुझे सीधा बुन लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। उसके बाद मुझे ये सभी फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह से सभी फंदे सीधे बुन के पीछे की साइड से सारे फंदे मुझे सीधे बुनने हैं, और ये केबल वाले फंदे मुझे उल्टे बुनने हैं। सेम यही प्रोसीजर मुझे रिपीट करना है। इसी तरह से हमें इसमें करना है। और देखिए, यहाँ ये मैं रॉम्पर बना रही हूँ, ये जम्प सूट बेबी का। तो सेम इसी तरह से एक पैर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये देख लीजिए इस तरह से। अब देखिए, दोनों पैर सेम बनेंगे बिल्कुल, जैसा ये है वैसा ये। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये यहाँ पर मैंने केवल यहाँ पर डाली है इस तरफ। जिस तरह से हम अंगूठे वाले मोजे में करते हैं, जब हम सॉक्स बनाते हैं तो अंगूठा हम जस्ट अपोजिट साइड निकालते हैं। मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है सॉक्स का वीडियो, आप जाके देखिएगा। उसी तरह से हमें ये केबल बनानी है। तो देखिए, यहाँ हमें ये रॉन्ग साइड से ही फर्स्ट रो मान के चलनी है। तो देखिए, यहाँ पर रॉन्ग साइड से ही फर्स्ट रो इस तरह से, ये देखिए राइट साइड पे, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बॉर्डर को पलट दिया। तो यहाँ से हम बनाएंगे, तो केवल इसमें हमने बनाई है देखिए इस साइड पे, तो छः फंदे के बाद। तो यहाँ पे हम केबल को इस साइड पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर छः फंदे से पहले। बाकी ये सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं इस पार्ट की तरह। तो चलिए, मैं यहाँ तक छः फंदे ये वाले और 12 फंदे डिज़ाइन के सीधे बुन लेती हूँ, और साथ में ही मुझे 6 फंदे बढ़ाने भी हैं, एक फंदा इधर और एक फंदा इधर। तो 4 फंदे मैं पहले बढ़ा लेती हूँ। देखिए, सभी फंदे मुझे सीधे बुनने। एक एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ। दो फंदा मैंने यहाँ बढ़ा दिया, सेकंड वाला फंदा। थर्ड में यहाँ बढ़ा देती हूँ। और फोर फंदा मैं फोर्थ वाला यहाँ बढ़ा देती हूँ। भी काउंट कर लेते हैं, दो, चार और एक, ये पांच। एक फंदा हम बढ़ाएंगे इसी में, तो 6 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद दो, चार, छः, आठ, 10 और 2, 12। एक फंदा और मैं बुन लेती हूँ यहाँ पर। एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ।
ये देखिए पांचवा फंदा हमने बढ़ा दिया है। अब मुझे एक फंदा बढ़ाना है। अब मुझे यहाँ पे इन 12 फंदों में अपना डिज़ाइन डालना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन डालेंगे तो ये देखिए 8 फंदों में हम ट्विस्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 4 फंदे हमने देखिए यहाँ पे सिंपल बुने थे स्टार्टिंग में, तो इस तरफ हम 4 फंदे स्टार्टिंग में 6 फंदे से पहले सिंपल बुनेंगे, उसके बाद हम ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 4 फंदे हम पीछे से पकड़ लेंगे, 1 2 3 4, 1 2, एक मिनट, देखिए इस तरह से, और बाकी मैं इसमें से निकाल दूंगी और 4 फंदे में इस तरफ ये ले लूंगी। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी और इन फंदों को मैं सिंपल बुन लूंगी, 1 2 3 4 5, सात और ये 8। अब ये 4 फंदे में सिंपल बुनूंगी, 1 2 3 4। अब ये देखिए यहाँ पे मैं सिंपल बुनूंगी और एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगी, देखिए मैं बैक साइड आ जाऊंगी। बैक साइड पे केवल वाले फंदे में वहाँ इस वाले पार्ट की तरह उल्टे बुनूंगी, बाकी सभी फंदे में सीधे बुनूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी देखिए धागा आगे करके 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ठीक है। अब सभी फंदे में सीधे बुन लूँगी, पूरी रो सीधी कंप्लीट करूँगी बना के। अभी देखिए मैंने ये रॉन्ग साइड से रो निकाल ली है, मैं फ्रंट साइड पे फिर से आ गई हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे पूरी रो सीधी निकालनी है, पूरी रो सीधी एंड रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी निकालनी है, लेकिन ये जो केबल वाले फंदे हैं वो उल्टे निकालने हैं। एग्जैक्टली अब बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसा इसमें मैंने बताया था, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये केबल हमारी इस साइड चलेगी और इसमें ये केबल हमारी इस साइड चलेगी। तो चलिए मैं इसकी पहले लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। जितने हमारे बच्चे की ये इस तरह से फोल्ड करके करने के बाद नीचे से लेकर आसन तक जितनी लंबाई होगी हमारी बच्चे की, उतनी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ और आसन किस तरह से बनेगा वो मैं बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स की लेंथ कंप्लीट कर ली है, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे इसको फोल्ड करना है हमें। तो मैं यहाँ पे इसको आपको मेज़र करके बता देती हूँ मैंने एग्जैक्टली इसको रखा कितना है, इसकी लेंथ कितनी रखी है मैंने यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसको बॉर्डर के बाद मैंने इसकी एग्जैक्ट लेंथ रखी है 10 इंच के समथिंग, 10 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 10.5 समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर को मिला के मैंने इसकी लेंथ रखी है यहाँ से 16.5 इंच, मतलब 6 इंच का मैंने बॉर्डर रखा है। और वैसे हम इसको फोल्ड करके ही यूज़ करेंगे इस तरह से। तो फोल्ड करके इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको, 13.5 इंच मैंने यहाँ पे रखी है, ये देख लीजिए। बाकी ये जो लेंथ है आप अपने बच्चे की टांग के हिसाब से रखेंगे, जितने आपके बच्चे का पैर है
उस हिसाब से रखेंगे, आप बच्चे की नाप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 2 साल से मतलब 2 साल से ज़्यादा के बच्चे की रखी है, 2 से 2.5 साल तक के बच्चे को ही आराम से आएगी। तो यहाँ देख लीजिए, और इसकी लेंथ भी मैंने सेम मेज़र की है, और अगर ये लाइंस काउंट करते हैं ये वाली, तो मैंने यहाँ पे ये 52 लाइंस बनाए हैं, ये देख लीजिए, ये वाले जैसे 1 2 3 4, इस तरह से मैंने ये यहाँ पे 52 लाइंस बनाए हैं पूरे यहाँ तक। अब देख लीजिए हमें करना क्या है। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये सर्कुलर निडल यूज़ करूँगी, तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे हमने जो पार्ट पहले बनाया था, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, वो वाले पार्ट को हमें यहाँ पे लेना है, और इस जगह हमें यहाँ पे फंदे डालने हैं। देखिए किस तरह से बटन पट्टी बनाएंगे, यहाँ पर अब हमारी बटन पट्टी चलेगी इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे 10 फंदे करीबन बटन पट्टी के ले रही हूँ। ये देखिए किस तरह से, एक, दो, एक मिनट, कैमरा ब्लर कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए 3, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, और ये 10। 10 फंदे मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ, 2 फंदे मैं आई कॉर्ड के रखूंगी, तो इसलिए ये बटन पट्टी सिर्फ 2 फंदे आई कॉर्ड में तो सिकुड़ जाते हैं, तो 8 फंदे ही रह जाएंगे यहाँ पे। ये देख लीजिए, 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 10। अब देखिए यहाँ पे मैं इन फंदों को यहां तक पूरा बुनते हुए जाऊंगी। पूरा यहां से यहां तक बुनते हुए जाऊंगी, अपने डिजाइन के साथ कंटिन्यू करूंगी, जिस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया है, और ये वाला पैटर्न मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। तो देखिए 2 फंदे मैं आई कॉर्ड के लिए रखूंगी, लेकिन ये 2 फंदे मैं आई कॉर्ड अभी नहीं बनाऊंगी, आई कॉर्ड बनाऊंगी मैं नेक्स्ट सिलाई पर। ये कैमरा बहुत ब्लर कर रहा है गाइस। ये देखिए, अभी मैं सादा बुनूंगी इसको, ये देखिए 10 फंदे मैंने यहां पे बटन पट्टी के बुन लिए। इसके बाद मैं वही कैरी करूंगी, 1 2 3 4 5, और ये 6, ये देखिए 6 फंदे मैंने बुने, बाकी मैं अपने डिजाइन के साथ कंटिन्यू करूंगी। पूरी रो में यहां तक बुनूंगी इसको, यहां से पूरी यहां तक। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर इस साइड मैंने यहां पे 10 फंदे बढ़ाए थे, अब यहां पर मैं फंदे बढ़ाऊंगी। अब यहां मैं कितने फंदे बढ़ाऊंगी, मेरी वूल ये थोड़ी सी पतली है, तो मैं यहां पे 12 फंदे बढ़ाऊंगी, ठीक है, 12 फंदे मैं यहां पे डालूंगी। आप 10 फंदे डालिएगा या 8 फंदे, जो भी है, अगर आपकी नॉर्मल वूल है, तो मैं तो यहाँ पे 12 फंदे डालूंगी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं किस तरह से करूंगी यहाँ पे, देखिए 1,
दो, तीन, चार। कैमरे को क्लियर कर लेती हूँ थोड़ा सा। पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और ये 12। ये देख लीजिए इस तरह से 12 फंदे। अब यहाँ पर सीधे आ जाऊंगी मैं। अब ये देखिए मुझे क्या करना है। अब मुझे ये वाला पार्ट लेना है यहाँ से। देखिए अब मुझे ये वाला पार्ट उठाना है, ये देखिए इस साइड से, और इसमें इसको सिंपल सीधा बुनते जाना है। पूरा इसे मैं यहां से यहां तक बुनूंगी, फिर यहां पे मैं फंदे बढ़ाऊंगी बटन पट्टी के। पहले मैं इसको यहां तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में आ गई मैं बिल्कुल यहां पर, ये देखिए। अब मुझे यहां पर फिर से वही फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इस तरह से, एक, इस वाले धागे से बढ़ाने हैं। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक बार काउंट कर लेती हूँ। दो, चार, छः, आठ, और ये 10। ठीक है, इस वाले धागे को मुझे यहाँ पे कट कर देना है। अब देखिए मुझे इसे वही सिंपल बुनते हुए जाना है। दो फंदे मैं आई कॉर्ड के लिए रखूंगी, वो मैं नेक्स्ट सलाई से बनाऊंगी आई कॉर्ड। पूरी रो मुझे यहाँ तक बुननी है, ठीक है? इसको मैं पूरी को कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। देखिए लास्ट में आ गए हम, और ये मैंने बटन पट्टी के फंदे भी बुन लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इस बार ये दो फंदे इस तरह से उल्टे लेके और फ्रंट साइड से इन दोनों फंदों को मैं उतार लूंगी, स्किप कर लूंगी। ये देखिए, एक और ये दो।
अब नेक्स्ट मैं इनको बुनूंगी, ये देखिए इस तरह से। हर सिलाई पे हमें यही करना है, और साथ में ही 1 1.5 या 2 इंच बाद अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको बटन होल रखने, इस साइड पे आपको बटन होल बनाते हुए जाना है, हर इतनी इतनी दूरी पे। जो पार्ट हमने पहले लिया था उस पार्ट पर हमें बटन होल बनाते हुए जाना है। बटन होल बनाना मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से ये पूरी रो यहाँ तक कंटिन्यू करनी है अपनी डिज़ाइन के साथ। इस तरह से आई कॉर्ड के फंदे बनाने हैं। अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं बुनते हुए यहाँ तक आई, ये बीच में जो हमने 12 फंदे बढ़ाए थे मैं वहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा मैं इस जगह बढ़ाऊँगी, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ तक बुनूंगी। 12 फंदों का मैं 14 फंदे करूँगी। वो मैं इसलिए करूँगी क्योंकि ये क्रोचेट एरिया है हमारा, यहाँ से ऊपर का पार्ट स्टार्ट होता है तो थोड़े से फंदे ऊपर के पार्ट में हमारे बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये तो लेग पार्ट है। यहाँ पे जांघ पर हमारे जो फंदे होंगे वो ऊपर जब हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे तो थोड़ा बच्चे को जो है, बड़े बच्चे को थोड़ा टाइट रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े फंदे बीच में बढ़ाती रहूँगी। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे मैं एक फंदा और बढ़ाऊँगी, तो देखिए यहाँ पे 12 फंदों का मैंने 14 फंदे कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सीधा बुनूंगी। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मैं करके कंप्लीट लाऊंगी, और इसी तरह से मैं इसे पूरे पार्ट को कंटिन्यू करती जाऊंगी और इसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बुनूंगी, और पूरा ये देखिए इस तरह से आएगा। मैं आपको उसका दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से आएगा ये बनके। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी की है मैंने। दोनों साइड से आई कॉर्ड बनाते हुए जाना है, जिस तरह से यहाँ से आई कॉर्ड बनानी है, बनाना बताइए मैंने, इसी तरह से यहाँ से भी आई कॉर्ड आपको बनाते हुए जाना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ से इसको बनाते हुए मैं यहाँ तक आई। अब मैं यहाँ पे ये जो फली हमारी बन रही है इसके जस्ट 10 15 फंदे बाद ही, मतलब आप इसे इस तरह से देख लीजिए, जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो इसके जो बीच का जॉइंट आ रहा है टांग वाला, ये इस तरह का, यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए किस तरह से, और मैं तब तक बढ़ाऊँगी, एक फंदा इधर बढ़ाऊँगी और एक फंदा मैं इस टांग पे बढ़ाऊँगी, देखिए इस तरफ सेंटर में, ठीक है, और एक फंदा मैं बीच में बढ़ाऊंगी। 3 फंदे एक सिलाई पे मैं बढ़ाऊंगी, और मैं वो तब तक बढ़ाऊंगी जब तक कि बटन पट्टी के 10 10 फंदे छोड़कर, बटन पट्टी को हटाकर पूरे 140 फंदे ना हो जाए यहाँ पे बीच में। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा लिया। अब मैं यहाँ से चलते हुए आऊँगी तो यहाँ पे देखिए एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा दूंगी और एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा दूंगी, ठीक है, 2 ये हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं यहाँ तक आऊँगी और सेंटर में, इस पार्ट के सेंटर में एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा दूंगी, तो ये 4 फंदे मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी, और फिर मैं ये पूरी रो काउंट कर लूँगी। 140 फंदे जैसे ही मेरे हो जाएंगे बटन पट्टी के 10 10 फंदों को छोड़कर, ये जो बटन पट्टी के 10 10 फंदे हैं वो इसमें काउंट नहीं करने हैं, इस साइड वाले और इस साइड वाले। तो तब तक मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, 140 फंदे होने तक मैं इसे इसके बाद नहीं बढ़ाऊँगी फंदे, और फिर मैं इसे सीधा सीधा बुनूँगी। वो फंदे मुझे इसलिए बढ़ाने हैं कि अभी पहले मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये फंदे मैं यहाँ क्यों बढ़ा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये इतना कंप्लीट कर लिया है बनाकर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे जो आप अपनी डिज़ायर लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो
देखिए मैं इसको आपको मेज़रमेंट करके बता देती हूँ इंची टेप से। मैंने यहाँ बनाया है ये देखिए 10 इंच, ये देख लीजिए मैंने यहाँ करीबन 10 इंच बनाया है। और अगर आप 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 से 8.5 इंच बना लें, और अकॉर्डिंग टू योर अपने अपने बेबी के अकॉर्डिंग बना लें आप इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आगे देखिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताती गई थी, बॉर्डर पे मैंने लिया है यहाँ 50 फंदे, 6 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ा लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बनाया था। आप चाहें तो यहाँ पे इस साइड से बीच बीच में फंदे बढ़ाते हुए चले जाएं, अगर आप चाहें तो पैर में फंदे बढ़ा सकते हैं अगर आपका बेबी हेल्दी है तो। यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ बटन पट्टी के 10 10 फंदे रखे हुए हैं, ये देखिए ये कितनी अच्छी किनारी बन के आ रही है, ये आई कॉर्ड बना बोलते हैं इसको, आई कॉर्ड बनाना मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, बहुत प्यारी लगती है ये। तो ये वाली किनारी किस तरह से बनकर आती है मेरे चैनल पे दिया हुआ है, मैंने इसका सेपरेट वीडियो किया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये पैटर्न का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, और बीच बीच में हाँ मैंने यहाँ पे 12 फंदे बीच में लिए थे वो मैंने आपको सारा बता दिया है, और टोटल हमारे पास यहाँ पे अब है 140 फंदे। ठीक है, यहाँ हम पे 140 फंदे हैं, बटन पट्टी के 10 10 फंदे अलग हैं, अगर बटन पट्टी के फंदे जोड़ते हैं हम दोनों साइड से तो हमारे पास 160 फंदे हैं इस समय, लेकिन हम बटन पट्टी के फंदों को काउंट नहीं करते क्योंकि अब हम आगे इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम कार्डिगन में बनाते हैं ना, आगे से फ्रंट ओपन होता है, इस तरह से यहाँ पर बटन लग जाते हैं, ये देखिए बीच बीच में मैंने ये बटन होल भी बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हमको करना क्या है, यही देखिए अब हमें यहाँ पे मुड्डे की घटाई करनी है, मतलब मुड्डे की घटाई नहीं करनी है, एक तरीका बता रही हूँ कि जिससे कि हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये आगे का पार्ट अलग हो जाएगा दोनों साइड से, और बैक साइड का पार्ट इस तरह से ये आएगा, ये हमें यहाँ पे अब अलग अलग करना है। मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास यह बटन पट्टी को छोड़कर 140 फंदे हैं। अब आप बोलेंगे कि 140 फंदे कहाँ से आए, कैसे आए, यहाँ पे आपने तो 56 56 फंदे लिए थे तो यहाँ तो सिर्फ 112 फंदे हो गए। तो मैंने तो आपको बताया था, आपने वीडियो शायद ध्यान से देखा होगा या नहीं देखा होगा, वीडियो को बैक जाके वापस से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। यहाँ पर मैंने 12 फंदे लिए थे ये पूरे, तो यहाँ पर मेरे पास हो गए थे करीबन 56 56 112, और 12 कितने हुए 124 हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए जब यहाँ से मैंने बुनना स्टार्ट किया तो हर सीधी सिलाई पे मैं एक फंदा यहाँ, एक फंदा इस जॉइंट पर, और एक फंदा इस फली से इस साइड, और एक फंदा मैं इस साइड बढ़ाती हुई गई थी हर सीधी साइड पे, जब तक कि 140 फंदे नहीं हो गए। मतलब कि मैंने 124 फंदे के बाद 140 फंदे किए, 16 फंदे इसमें बढ़ाए, और तो अब मैंने 16 फंदे 4 सिलाइयों में कंप्लीट कर लिए, 4 4 फंदे एक सिलाई में बढ़ाए, एक फंदा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इसके सेंटर में यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये 140 फंदे हो गए, बटन पट्टी के फंदे हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए हमें करना क्या, हमें एक दूसरी सिलाई लेनी है। अब देखिए आई कॉर्ड, हमें आई कॉर्ड की तरह बनाना है, देखिए ये देखिए 3 बटन पट्टी के फंदों को हम काउंट नहीं करेंगे, पहले तो मैं यहाँ बटन पट्टी के फंदे बुन लेती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये बटन पट्टी के फंदे मैंने यहाँ पे 10 बुन लिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमारे पास टोटल 140 फंदे हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कॉपी पेन पे, देखिए टोटल हमारे पास 140 फंदे हैं। ठीक है, 140 के हमें 3 पार्ट करने हैं, पहले तो 140 का हमें जस्ट हाफ करना है, तो हमारे पास यहाँ आधे आधे 70 फंदे हो जाएंगे। तो जिस तरह से हम कार्डिगन में करते हैं बैक साइड पे, हम बैक साइड पे तो हम 70 फंदे ही लेंगे। ठीक है, ये देखिए बैक में, बाकी फ्रंट में
70 फंदों का जस्ट हाफ कर देंगे, 35 और 35, 35 35 फंदे लेंगे फ्रंट में, ठीक है, जिस तरह से हम कार्डिगन में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुला रहेगा, तो बैक में तो हम 70 फंदे ही लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से, ये देखिए ओपन पार्ट है, तो हम यहाँ से फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट में हमें 35 फंदे बुनने हैं, 10 फंदे हमने बुन चुके हैं, अब यहाँ से हमें 35 फंदे काउंट करने हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। डिज़ाइन हमें कंटिन्यू सेम रखना है, जैसा हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं बिल्कुल सेम। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, डिज़ाइन के फंदे मैं यहाँ पे बोल लेती हूँ, 7 8 9 10, 12 फंदे हैं ये डिज़ाइन के। देखिए 10 फंदे हो चुके, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये देखिए 18 फंदे हो गए, और हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाल दिया है, और डिज़ाइन हमारा सेम ऐसा ही रहेगा। डिज़ाइन ये वाला आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ मैं हर चीज़ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 18 फंदे हो गए, इसके बाद देखिए 19 20 21 22 25 26 26 27 28 29 31 31 32 33 34 और ये 35। ये देख लीजिए यहाँ हो गए हमारे पास ये 35 फंदे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन फंदों को हमें ऐसे ही रोक देना है। इसमें मैं यहाँ पे राउंड केबल में पीछे निकाल दूंगी इन फंदों को, इनको हमको बिल्कुल भी टच नहीं करना है फिलहाल। अब हमें सिर्फ ये 35 फंदे बुनने हैं, ठीक है। अभी हम बैक साइड आएंगे, सेम बुनेंगे हम, देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये डिज़ाइन का फंदा है। फिर धागा आगे करेंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 धागा पीछे, 31 32 33 34 और ये 35। बाकी ये हमारे बटन पट्टी के 2 4 6 8 10, सॉरी एक फंदा मेरा इस साइड आ गया है। दो चार छ आठ दस, यहाँ मेरे से काउंटिंग में गलती हो गई थी इस जगह पे। अब ये बटन पट्टी के फंदे हम बुन लेंगे पूरे,
अब देखिए, अब बताती हूँ मैं क्या। इसी तरह से अब हमें कंटिन्यू इसको करते जाना है और करीबन इसके इसमें हमें 4 या 4.5 इंच तक इसे सीधा सीधा मुड्डे बुनते जाने हैं। 5 इंच भी कर सकते हैं, 4.5 इंच वैसे तो सफिशियंट होता है। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ से 70 फंदे उठाने हैं बैक पार्ट के लिए, फिर उसको भी सीधे सीधे बुनते जाना है। फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे 35 फंदे उठाए हैं उस तरह से बटन पट्टी के साथ 35 फंदे हमें, 10 फंदे बटन होल के और 35 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के, इसी तरह से इस साइड से उठाने हैं हमें। फिर उसे भी हमें इसी तरह से 4.5 इंच तक करीबन बुनते जाना है। तीनों पार्ट को हमें अलग अलग डिवाइड करना है, मतलब ये पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, ठीक है। यहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं घटाना है, कहीं भी घटाना नहीं है, सीधा सीधा बुनते जाना है, जिससे कि ये जब हमारे पार्ट इस तरह से अलग हो जाएंगे, इस तरह से ये देखिए इस तरह से आएगा, फिर ये देखिए इस तरह से आएगा आपके ये बेबी रोम्पर बन के। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये पार्ट अलग अलग इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि हमें इसकी बाजू भी बनानी है बच्चे की, तो यहाँ से हम बाजू के फंदे राउंड करके उठा सकें। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाना बताऊंगी, पहले मैं इसको इसके तीनों पार्ट को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, 4 से 4.5 या 5 इंच तक, अपने बच्चे की अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएं आप, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है, इसके ये जो पार्ट्स मैंने बनाए थे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये इसके ये जो मैंने यहाँ पे बनाना था वो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ इसके मैंने ये देखिए तीनों पार्ट सेपरेट बनाए हैं, देखिए सेम बराबर है सभी पार्ट्स, ये देख लीजिए सभी पार्ट्स मैंने आगे बना के कंप्लीट कर लिए अलग अलग। यहाँ पे मैंने कोई भी फंदा घटाया नहीं है, कोई भी कहीं भी, बस इसको डिवाइड कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से। अब देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा, इसको इस तरह से ये अटैच हो जाएगा और ये पार्ट इससे इस तरह से ये अटैच हो जाएगा, ये हमारा बच्चे का अपर पार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप अपने बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग रखें। और ये देखिए यहाँ पे ये लेग्स हैं, ये यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से कुछ आएगा ये रोम्बर। अब देखिए अब हमें करना क्या है आगे, ये देख लीजिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें आगे, और इसका इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इंची टेप से ये देखिए यहाँ से ये 5 इंच मैंने बनाया है, ठीक है। आप मिनिमम 4 इंच तक बना सकते हैं, 4 इंच 4.5 या 5 इंच तक जा सकता है बच्चे के लिए, 0 से 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 साल तक के बच्चे के लिए हम शोल्डर का जो पार्ट होता है ये वाला हम 5 इंच तक बनाते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या, अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि ये वाला पार्ट हम लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने काज बटन डाले हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ये तो हमारा आई कॉर्ड है, आई कॉर्ड के मैंने यहाँ 3 फंदे लिए थे, इस तरह से ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फंदे कितने हैं, ये फंदे हमें यहाँ से केबल तक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केबल तक हमें यहाँ पे फंदे ऐसे के ऐसे बुनने हैं, 10 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के और 6 फंदे हमने केबल से पहले सीधे बुने थे। ये देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो केबल है यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है, ठीक है, एक फंदा हमें यहाँ पे बुनना है, ये देखिए इसके बाद हमें 2 फंदों का
एक करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर एक फंदा हमें बुनना है, फिर एक फंदा हमें दो का एक करना है, फिर एक बुनना है, फिर एक दो का एक करना है। ये देखिए एक बुनना है, फिर से हमें दो का एक करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके बाद दो का एक किस तरह से करना है ये देखिए, हम फंदों को काउंट करते हैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक ये 17। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चार फंदे घटाने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट ये देखिए दो का एक करना है, फिर से बीच बीच में हमें दो का एक करते हुए जाना है। ये देखिए एक घट गया, अब फिर से हम यहाँ पे घटाएंगे, दो घट गया, देखिए फिर से एक घटाएंगे हम, तीन घट गया, एक फंदा हमें और घटाना है। ये देखिए चार फंदे घट गए। अब सिंपल बुन लेना है। देखिए यहाँ पे इतने पार्ट में हमें चार फंदे घटाने हैं और केवल में हमें दो का एक करना है। बैक साइड से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, सॉरी, जिस तरह से हमने डिज़ाइन कंटिन्यू किया है उसी तरह से करेंगे हम। जैसा हम बनाते आए हैं बैक साइड से वैसा ही बनेगा यहाँ पर। धागा आगे उल्टा, अब इसे पूरे को सीधा बुनना है। तीन फंदे आई कॉर्ड के, ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली हमें यहां पर करना है, जैसा हमने यहां किया सेम हमें यहां पे करना है। यहां पे हमें कुछ फंदे नहीं कटाने हैं, स्टार्टिंग में केबल में हमें दो का एक करते हुए जाना, एक फंदा बुनना है दो का एक, एक फंदा बुनना है दो का एक, और फिर यहाँ पे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चार फंदे घटाने हैं। तो मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से करते जाना है सेम। ये देखिए अब यहाँ हम देख लेते हैं हमारे पास कितने फंदे रह गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह 18। अभी हमें ये दो फंदे और बंद करने हैं।
पहले काउंट कर लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 21, 16। बस अब हमें इतनी ही फंदी घटानी है और हमें इसको यहाँ पे अच्छे से बंद कर देना है। और धागे को नीचे निकाल देना है, देखिए इस तरह से। अब ये फंदे हमें इसी सिलाई पे ले लेने हैं सारे। अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, ये देखिए सेम हमें एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के फंदे हमें बंद करने हैं, यहाँ से यहाँ तक के पीछे वाले पार्ट के साथ सेम। उसके बाद मैं इनको कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आर्म होल आपको बन गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको भी कर लेती हूँ पहले कंप्लीट। कुछ इस तरह से आ गया है। ये फंदे हमारे यहाँ पे दो तीन फंदे आई कॉर्ड के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15। और यहाँ देख लेते हैं हम, ये मैंने इस साइड के फंदे इसी पे ले लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए 15। तो ये देखिए 15 15 फंदे हमारे पास ये फ्रंट के हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये फंदे भी मैं इसी सिलाई पे ले लेती हूँ पहले तो ये वाले, फिर मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ए चार छः आठ दस बारह चौदह 16 18 20 22 24 26 28 29 फंदे मेरे बैक साइड पे हैं, ठीक है। तो अब हम टोटल मतलब टोटल तो काउंट हम बाद में करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आएगा किस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए आर्म होल है। देखिए मैं आपको इस तरह से जाएगा, ये देखिए। अब यहां पर इतने फंदों में हमारा हुड चलेगा। अब हम इसमें हुड बनाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हम किस तरह से बनाएंगे। अब हमें करना क्या है आप वो देखिए एग्जैक्ट। अब देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये जॉइंट का फंदा है यहां पर। पहले तो जहां जहां जॉइंट के फंदे हैं वहां हम मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए यहां पर ये जॉइंट का फंदा है ये वाला, तो इसमें मैं मार्कर लगा लूंगी। मतलब ये फंदा यहाँ पे ये आगे का है और ये पीछे। एक मार्कर मैं और लगाऊंगी, ये देखिए इस फंदे पे, देख रहे हैं आप सेंटर में इस फंदे पे जहां हमने जॉइंट लगाया है वहां जो सेंटर वाला फंदा है उस पे हम मार्कर लगाएंगे। ये देखिए एक मार्कर में या सेंटर में लगाऊंगी, ठीक है। वो देख लीजिए यहाँ पे सेंटर में मैं काउंट करूंगी कितने फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
पे हमारे पास ये टोटल 29 फंदे हैं, 29 के हम जस्ट हाफ करेंगे, 14 दूनी 28, 14 फंदे इस साइड रखेंगे, 14 इस साइड रखेंगे, जो 29वां फंदा होगा बीच में 15वां फंदा, उस पे हम एक मार्कर लगा देंगे। तो 14 फंदे हम इस तरफ काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और ये जो फंदा है बीच का, इस पे हम ये मार्कर लगा देंगे। 14 फंदे हमारे इस साइड होंगे, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। अब मैंने यहाँ पे मार्कर सेट कर लिए, अब ये देखिए आगे करना क्या है मुझे। देखिए मुझे ये आई कॉर्ड के फंदे सेम, जिस तरह से आई कॉर्ड बननी होगी सेम बनेगी, पूरी ऑल ओवर आई कॉर्ड हर सलाई पे, हर हर साइड से सेम बनती हुई जाएगी। ये देखिए पहले हम बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये देखिए। अब क्या करना है कि हमने जहां पर ये मार्कर लगाया है उससे पहले वाले फंदे पे, या हमने मार्कर लगाया है उससे पहले वाले फंदे पे के से पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा, दोनों साइड से हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से उठा के। इसे बुन लेंगे और मार्कर वाले फंदे को भी हम बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और मार्कर को हम हटा के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर देंगे हम, ये फंदे थोड़े से हमारे ढीले हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं फंदे को, ये देखिए इस तरह से। अब फिर बुनते हुए मार्कर तक आएंगे हम, हर मार्कर पॉइंट पे हमें एक फंदा पहले दोनों साइड से हमें बढ़ाना है। आ गए, ये मार्कर लगा हुआ है, अब इस फंदे पे हम यहां बढ़ाएंगे, इसको हम इस तरह से उठा लेंगे। इस फंदे को भी हम बुनेंगे और मार्कर को ऊपर सेट कर देंगे। एक फंदा बुनेंगे और यहां हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर से हम मार्कर वाले पॉइंट तक आएंगे। अब हम ये हर सलाई, हर सीधी सलाई पे करेंगे, और रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से भी हमने जो सलाई है सीधी सीधी की बना रहे हैं, हम गार्टर स्टिच में बना रहे हैं, तो रॉन्ग साइड से भी हम सीधी बुनेंगे, लेकिन हम फ्रंट साइड पे इसका हम इसी तरह से करेंगे। अब ये देखिए ये मार्कर वाला फंदा है, अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ा देंगे, इस फंदे को हम बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से, इसे हम बुनेंगे, मार्कर वाला फंदा बुनेंगे हम। फिर हम एक फंदा बुनेंगे और हम यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। इसे पूरा बुनेंगे, हर फ्रंट साइड पे, हर सलाई पे हमें इसी तरह से पूरी सलाई में 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे यहाँ पे, 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ, जिस तरह से मैंने बढ़ाया इसी तरह से कंटिन्यू,
और करीबन 3 या 4 इंच हम बनाएंगे, हमारे पास कम से कम 130 से 135 फंदे हो जाएं, 125 से 135 फंदे के बीच, उसके बाद फिर हम बढ़ाना बंद करेंगे। तो ये देखिए आई कॉर्ड हम हमेशा कंटिन्यू करेंगे हर बार। अब देखिए ये जो रो है हमें पूरी सीधी बुननी है, आई कॉर्ड के साथ हमें ये रो सीधी बुननी है। आई कॉर्ड के फंदों को मैं थोड़ा सा उल्टा बुन लेती हूँ। देखिए इसी तरह से मुझे ये सीधे बुनती जानने हैं, ये रो साइड है, तो कोई फंदा नहीं बताना है, नहीं बुलाना, कुछ नहीं करना है, बस जो फंदे मतलब जैसे एज इट इज बुनते जाना है हमें। और सीधी सीधी सिलाइयां हम दोनों साइड से बुन रहे हैं, और आई कॉर्ड भी हमें सेम ही बनानी है, दोनों साइड से आई कॉर्ड हमें सेम बनानी है, कुछ भी नहीं करना है आई कॉर्ड के लिए। देखिए अब हमें फिर से वही करना है, ये देखिए हमारा फंदा है, मैं बताती हूँ आपको। वाला फंदा है ये वाला, ठीक है ये वाला। अब उससे पहले ये जो फंदा है, पहले वाले फंदे पे हमें इस तरह से इसे उठाना है फंदे को, और इस तरह से हमें बुनना है, इसको भी बुनना है, और फिर मार्कर वाले फंदे को भी बुनना है, और मार्कर निकाल के हमें इसे बुनना है। इस तरह से बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ, अभी देखिए मार्कर वाला फंदा है ये वाला, अब इससे पहले मुझे बढ़ाना है, मैं इसको इस तरह से भी बढ़ा सकती हूँ, ठीक है दो हो गए। और अब मैं मार्कर वाला फंदा बुनूंगी, इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इसी तरह से बुनती हुई मैं जाऊंगी। फिर मार्कर वाले फंदे के आसपास मुझे बढ़ाना है, ये देखिए मार्कर वाला फंदा है, अब ये हमें बुनना नहीं है, पहले तो यहाँ पे हमें बढ़ाना है, ठीक है देख लीजिए किस तरह से बढ़ाना है, वही सेम तरीका रहेगा, ऐसे एक फंदा, फिर ये मार्कर वाला फंदा, अब मार्कर को निकाल के हमें ऊपर सेट कर देना है, देन अगेन इस तरह से बुनना है, फिर से हमें ये बढ़ाना है और पूरी रो ऐसे ही निकालें। देखिए इस फंदे के एक फंदे पहले बढ़ाना है आपको, और इस तरफ से बढ़ाना है, यानी दो फंदे इस साइड बढ़ाने हैं, दो फंदे यहाँ, दो फंदे यहाँ, हर सीधी सिलाई पे, हर फ्रंट साइड से सीधी सिलाई पे हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, 6 फंदे बढ़ जाएंगे, दो 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 6, ठीक है। और रॉन्ग साइड से हमें एज इट इज बुनना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से करीबन मैं 3 इंच के समथिंग बनाती हूँ, जब तक मेरे पास 130 135 फंदे ना हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। दोनों साइड से ये जो मैं फंदे बढ़ाते हुए जा रही थी, ये देखिए फंदे बढ़ाते बढ़ाते मैंने यहाँ पे देखिए किस तरह से आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये आ गया। अब मैं इसकी बता देती हूँ आपको मेजरमेंट करके कि मैंने ये कितना लंबा कर लिया है, फंदे बढ़ाते बढ़ाते कितना लंबा हुआ है ये देखिएगा। इसका यहाँ से नापते हैं हम, ये शोल्डर है, ये शोल्डर पॉइंट है, शोल्डर पॉइंट से नापते हैं तो ये यहाँ पे इंचेस में अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पे करीबन
इस साइड से नाप के देखते हैं। ये देखिए करीबन इस जगह तक नापेंगे हम, 3 इंच के करीबन यहाँ पर ये बना है। तो यहाँ पे करीबन ये 3 इंच के आसपास मैंने बना लिया है फंदे बढ़ाते बढ़ाते, और इसमें मेरे फंदे हो गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आई कॉर्ड के फंदे काउंट करके बताती हूँ मैं आपको, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
134 फंदे यहाँ हो गए और ये बेबी कैप के लिए सफिशियंट हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक भी फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। सिंपल देखिए, ये जो मार्कर्स हम लगा रहे थे अब इनका कोई यूज़ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, बस सिंपल सिंपल बुनते हुए जाएंगे, सीधा सीधा दोनों साइड से सीधा सीधा और आई कॉर्ड के साथ, आई कॉर्ड को भी हम बुनते हुए जाएंगे। देखिए कैमरा को थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। देखिए बस इस तरह से हम सिंपल सिंपल दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब हम बिल्कुल भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे, कहीं पर भी कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। और करीबन मैं यहाँ पे 3 इंच में बुन चुकी हूँ, करीबन 7 इंच या 8 इंच और बुनूंगी। 10 या 11 इंच बच्चे के लिए सफिशियंट होता है हुड। और आप चाहे तो अपने बच्चे के सिर का नाप ले लें, शोल्डर से सिर हेड तक का, ऊपर तक का, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेंथ बढ़ा लें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक भी फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। ये देखिए इस फंदे से पहले हम फंदा बढ़ा रहे थे ना यहाँ पर, ये देख लीजिए, इस फंदे से पहले वाले फंदे पे हम यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे थे। अब मैं फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आया है ये। अब मैं यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, ये देखिए मार्कर वाला भी इसी तरह से बोलूंगी। और अब मुझे मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा बुनती हुई जाऊंगी। ये देखिए दोनों साइड से, इधर से भी सीधा बुनूंगी और उधर से भी सीधा बुनूंगी। और करीबन मैं इसे 8 इंच बना के तैयार करूंगी, 7 या 8 इंच। तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए गाइस यहाँ पे अब हमने क्या करना है आगे, ये देख लीजिए इसमें ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये कैप इतनी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ इसका। यहाँ मैंने ये फंदे बढ़ाने के बाद बनाई है करीबन यहाँ से, एक मिनट देख लीजिए आप इसको, करीबन 7.5 इंच के आसपास मैंने बनाई, 8 इंच के आसपास मैंने यहाँ पे ये बनाई है, 8 इंच बनाई है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है ये हमारे पास जितने भी फंदे हैं उसका हमें सेंटर पॉइंट देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे पास फंदे कितने हैं यहाँ पे टोटल आई कॉर्ड के फंदे मिलाकर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये मैंने इसका करीबन 7 इंच के आसपास बना के रेडी कर लिया है, सॉरी 8 इंच के आसपास।
तो इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने सारे फंदों को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ काउंट किए तो मेरे पास यहाँ 134 फंदे हैं आई कॉर्ड के फंदे मिला के, ठीक है, 134 फंदे हैं। अब हमें इन फंदों को आधा आधा कर लेना है, ठीक है, आधे तक लाके, मैं इसका मेजरमेंट अभी आपको बता दूंगी। आधे तक लाके हमें, पहले मैं यहाँ पे इनको आधा आधा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या करना क्या है एक्चुअल में। तो देखिए इस तरह से हमें, तो मैं इनको पहले आधा आधा कर लेती हूँ बुनते हुए, हम 134 का आधा कर लेंगे, ठीक है। 134 का आधा कितना हुआ, हाँ 50 और 17, 67 हुआ, ठीक है। तो मैं 67 फंदे बुन लेती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि 67 और 67 में मुझे आधा आधा करना है, तो मैंने यहाँ पे 67 से दो फंदे कम, मतलब 65 बुन लिए। अब ये 67, इससे पहले, मतलब 67 से पहले हमें क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो का एक करना है, ठीक है। 65 मैंने इधर बुन लिए हैं, एक फंदा एक साइड कम रहेगा, ये देखिए इसको यहाँ पे हमें दो का एक करना है, ये देखिए 67 में इस तरह से, ये देखिए। देखिए इस तरह से हमें दो का एक करना है, यहाँ पे इस तरह से करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मार्क लगा देना है। देखिए इसके बाद आपने आधे आधे फंदे करने के बाद करना क्या है, 67 67 करने के बाद, मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ यहाँ पे मेरे पास कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 62 64 यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बीच में, ये देखिए, ये देखिए आधे आधे हो गए, ठीक है। और ये मैं यहाँ तक बुनते हुए ले आई हूँ। अब 67 फंदे हमारे पास, मान लीजिए यहाँ है 67, यहाँ है, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए, ये जो हमने मार्कर लगाया है इससे दो फंदे पहले, ये देखिए मैं यहाँ तक बुनते हुए आ गई, दो फंदे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से दो का एक करना है। ये देखिए मार्कर को इस साइड ले लेना है, फिर जस्ट इस मार्कर के इस साइड हमें दो का एक करना है। अब इस तरफ हमें इस तरह से दो का एक करना है, ये देखिए। यहाँ पे हमें फंदे हटाने हैं, बाकी हमें इस तरफ और इस तरफ सेम बुनना है। अब हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, पूरी रो सीधी बुन लेंगे, उसके बाद की रो भी सीधी ही बुन लेंगे। इस पूरी रो को हम यहां से सीधी बुन लेंगे, और सिर्फ हमें यहाँ पे देखिए ये जो मार्कर लगा है, दो फंदे इसके साइड, मतलब दो का एक, दो फंदे पहले तक दो का एक करना है, और यहाँ पे दो का एक करना है। उसके बाद हमें साइडों से बिल्कुल नहीं घटाना है। इसके बाद जो रॉन्ग साइड आएगी, रॉन्ग साइड से भी हमें पूरी रो को इसी तरह से घटाना है, ठीक है। वो सॉरी, रॉन्ग साइड से हमें घटाना नहीं है, पूरी रो को सीधा ही बुनना है, क्योंकि हम यह गार्टर स्टिच बना रहे हैं, दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है हमें। तो इसी तरह से मैंने ये एक बार घटा लिया, दो बार, और मतलब दो बार और घटाऊंगी मैं, तीन बार घटाऊंगी, यानी कि टोटल 6 फंदे मेरे घटेंगे, एक फंदा इधर एक फंदा इधर, एक रो में दो फंदे मेरे घट रहे हैं, तो टोटल छह देखिएगा इस फंदे यहाँ घटेंगे। तो पर मैं दो मैंने बार दो और बार और घटाऊंगी फंदे इसी तरह घटा से, उसके लिए बाद हैं, फिर ठीक आपको है। बताऊंगी क्या दो हुआ क्या फंदे, करना है। एक बार तो मैंने आपके सामने ही घटा लिए थे, अभी मैंने दो बार और घटा लिए हैं फ्रंट साइड से, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्कर तक बुन कर आऊंगी, ठीक है। जितने भी फंदे हैं मेरे पास, उन सारे फंदों को मैं कर लूंगी आधा आधा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है हाफ के ऊपर, जितने भी आपके पास टोटल फंदे हों आप उनको हाफ कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो है इसे ज्वाइंट करना होगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि फंदे आधे आधे हों, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको मैं क्या करूँगी, फ्रंट साइड से ही जो ज्वाइंट लगाऊंगी, है ना।
और आप चाहें तो कैसे भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, डायरेक्ट रॉन्ग साइड से इसको मोड़ के, मैं फ्रंट साइड से मोड़ रही हूँ, ये देखिए रॉन्ग साइड से मोड़ के आप इसको फंदे को उतार सकते हैं, सिलाइयों से ही उतार सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कि निडल में मैंने धागा डाल लिया, थोड़ा लंबा ही धागा काट दिया था फ्रंट साइड से मोड़ने के बाद, अब मैं इसे सुई से बंद कर रही हूँ, ठीक है। दोनों साइड से मैंने बीच में से आधे आधे फंदे करके सिलाइयों को मोड़ के और आधे, और इसको देखो सुई से बंद कर रही हूँ। अब आप ये देखिए किस तरह से मैं बंद कर रही हूँ, कि मैंने ये पीछे वाला सिलाई से ये फंदा उठाया और इसको इस तरह से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्रंट साइड से, ये जो हमारी अपनी तरफ जो सिलाई है, इससे जिस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं उस तरह से उठाऊंगी, और साथ में ही मैं बगल वाला फंदा ले लूंगी और इस तरह से मैं धागा निकाल दूंगी। तो इसी तरह से आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल न्यू बिगनर हैं तो आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं सीधा सीधा, मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, मशीन से भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसी तरह से मैं इसको सारे फंदों को, इनको एक एक करके बंद कर लूंगी। आप देखिए ध्यान से कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपको इस तरह से बंद करना है तो। देखिए मैंने ये फंदा उठाया और ये उतार लिया, इसी तरह से गार्टर स्टिच में मैं फंदों को इसी तरह से बंद करती हूँ। शायद मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। इसी तरह से मैं सारे फंदों को बंद कर लूँगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी तरह से इसको बंद करो, आप अपने अकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। पूरे फंदे बंद कर लूँगी मैं। ये देखिए कितना, इस तरह से निडल से बंद करने के बाद कितना फाइन वर्क आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये बटन मैंने यहाँ पे लगा के रख लिए थे पहले से, जिससे कि ये देखिए बहुत प्यारा हुड बन के तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आएगा ये हुड। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, देखिए इस तरह से आएगा ये हुड आपका। ये देखिए एक ईयर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, देखिए इस तरह से। और ये ईयर किस तरह से बनेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ये कान लगा के रखा हुआ है, और ये देखिए रैबिट का जो कान है लगा के रखा हुआ है, और ये देखिए दूसरा कान मैंने बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 30 स्टिचेस, एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। पहले देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30। देखिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे लिए हैं, ठीक है। 30 फंदे लेने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से सीधी सीधी लाइंस, जैसे कि हमने इस जम सूट में किया है सेम वही किया है, तो मैंने यहाँ पे बना ली हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 9 लाइंस पूरी बना ली हैं। सॉरी, यहाँ फ्रंट साइड से देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, ये लास्ट में 10वीं लाइन मैंने बना ली है, मतलब 10 लाइंस, यानी कि 20 रोज़। ये वाली जो लाइंस हैं ये वाली 10 बनी है, और ये वाली लाइन दो सिलाइयों से मिलकर एक लाइन बनती है। तो मैंने यहाँ 20 रोज़, 20 लाइंस मैंने बुन ली हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम सीधा सीधा बुना है, कहीं पे भी घटाया नहीं है, कहीं पे भी बढ़ाया नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या कहते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनको हमें हाफ हाफ में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया है, 15 फंदे इधर लिए, 15 फंदे इधर कर लिए। इस तरह से सीधा था, मैं बताती हूँ आपको, 30 फंदे थे, अब हाफ हाफ में डिवाइड करके मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया है। अब हम यहाँ पे इन फंदों को बंद करेंगे। फंदों को बंद करना आपको आता ही होगा, अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं आता है तो आप देखिए इस तरह से करेंगे। इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, एक मिनट अभी बताती हूँ।
ये देखिए फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा ले लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से और एक फंदा इस सिलाई से, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इन दोनों को उतार देंगे। फिर से हम एक फंदा इस सिलाई से लेंगे इस तरह से, और एक फंदा हम फिर से इस सिलाई से लेंगे ये वाला, फिर इन दोनों को हम इस तरह से निकालेंगे और इसके ऊपर से हम इसे निकाल देंगे। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे देखिए फंदों को किस तरह से जोड़ घटाया जाता है, वो सॉरी बंद किया जाता है, वो मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सभी फंदों को यहाँ पे बंद कर लूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको बंद कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने ये कान को सारे सारे फंदे बंद कर, ये देखिए यहाँ पे सभी फंदे मैंने बंद कर दिए हैं इसके ईयर के। ये देखिए अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा ईयर पार्ट ये वाला इस तरह से बन गया। इसको पहले मैं यहाँ से अब देखिए इसके बाद हमने ये सिलना किस तरह से, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से लगेगा, ये देखिए इस तरह से। अब सिलना किस तरह से हमने, ये देखिए ये जो लाइन है सेंटर वाली, इतना इस थोड़ा सा दूर इससे ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से हमने सिल लेना है आपस में। पहले तो ये सीधा मैं बता देती हूँ आपको, देखिए इस तरह से रखना है। एंड इसके बाद ये मैंने एक कान लगाया हुआ है, ये इस तरह से हमें किस तरह से सिलना है कि ये खड़ा खड़ा ही रहे। देखिए यहाँ पे हमें पहले ये सेंटर लाइन है इसको काउंट करना है, इस ये बीच की लाइन है, 1 2 3 4, देखिए 4 लाइंस दूर यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ पर, एक दो तीन चार, ये 4 लाइन है, ये देखिए इस जगह, और सीधी लाइन भी देखिएगा इस तरह से इस जगह पे, ये देखिए इस तरह से रखकर आप देख लीजिएगा एक बार यहाँ पर, 1 2 3 4 इस जगह हमने ये लगाना है ईयर। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर देती हूँ पहले तो। अब देखिए सुई में धागा डाल लूंगी मैं यहाँ पर, इसको रखूंगी, इसको मैं इस तरह से रखूंगी, ये देखिए इस तरह से, और नीचे से अभी देखिए किस तरह से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहां से मैं इस तरह से डालूंगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये दोनों साइड के पीछे का और आगे का लेते हुए ही सिलूंगी मैं। ये देखिए इस तरह, एंड अगेन इधर वाला भी हम इसे इस साइड इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए इसको सीधा रखेंगे इस तरह से,
फिर से हम इसको ये जो धागा है इसे हम बाद में नीचे डाल देंगे क्रोचे टुक से। ये देखिए इस तरह से कि देखिए इसी तरह से हम बैक साइड से भी करेंगे, किसी की एकदम से खड़ा रहे, अगर हम इस तरह से छोड़ देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अभी देखिए ये आगे गिर रहा है तो इसको हमें फिर से एक बार सिलना होगा। देखिए इस तरह से अभी देखिए खड़ा खड़ा हो गया ये खाने एकदम से। देखिए नीचे ले जाके हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कान बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए जब बच्चा इसे पहनेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके बाजू की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए इसकी स्लीव्स मैंने यहाँ पे ये सिंपल रखी हैं। ये देखिए मेज़रमेंट की बात करें तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, स्लीव्स की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पे। ये देखिए देखिए 11 इंच मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखी है। और इसमें फंदे मैंने डाले हैं यहाँ पे, मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना, और एक 21 21 और 21 42 मैंने यहाँ पे स्टिचेस डाले हैं। और 42 स्टिचेज हर 4 सिलाई बाद, देखिए एक यहाँ एक यहाँ 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 दोनों साइड से मैं फंदे बढ़ाते हुए गई हूँ इस तरह से। तो मेरे पास यहाँ पे 62 फंदे हो गए हैं, ठीक है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 62 फंदे हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे कोई भी मुड्डे वगैरह की कोई भी कटिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं की थी, बिल्कुल भी कोई कटिंग नहीं की है। तो इसको जस्ट सिंपल, ये देखिए रॉन्ग साइड से मैं क्या करूँगी, मैं आप यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक इसको सिल दूँगी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक सिल दूँगी। तो पहले मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ।
तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इसको पूरी स्लीव्स को सिल लिया है, ये देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये राउंड में इसका ये देखिए यहाँ पे एक पार्ट लूँगी, ये देखिए ये रॉन्ग साइड से ये पार्ट मैंने लिया, उल्टी साइड से इसको रखेंगे और सीधी साइड से हम इसे रखेंगे, इसके बाद हम इसे इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स का ये जॉइंट पार्ट लूँगी, प्लस यहाँ नीचे वाला पार्ट लूँगी, ये देखिए सेंटर पार्ट यहाँ पे, और इसे मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे ये राउंड राउंड अंदर स्लीव्स है, ऊपर हमारा जंप सूट हमारे रॉम्पर का पार्ट है, इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलती जाऊँगी, देखिए किस तरह से। देखिए मैं तो फिलहाल सिंपल ही सिलूंगी इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे पूरा। देखिए जस्ट इसी तरह से मैं सिल लूँगी इसको पूरी स्लीव्स को। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये राउंड राउंड सिल के रेडी कर लिया, ऐसे इस तरह से हम सीधा कर देते हैं। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सिलने के बाद, ये देखिए स्लीव्स अच्छे से परफेक्ट से सिल चुकी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी स्लीव्स भी सिल लेती हूँ, सेम जिस तरह से मैंने इसे सिला है, उसके बाद फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर आपका ये रोम्पर बनकर हो जाता है रेडी, ये देखिए बटन मैंने लगा दिए हैं इस तरह से, बहुत ही ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रोम्पर बना है, ये देखिए, ये देखिए इसके स्लीव्स, ये देखिए, ये देख लीजिए, एंड दिस इज़ द लुक। ये कान है, आप इस तरह से देखिएगा पूरा रोम्पर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बना है ये रोम्पर। ये मुझे किसी ने बोला था कि मतलब एक पिक थी 6 मंथ के बेबी के, 0 to 6 मंथ के बेबी के, उसकी पिक थी मेरे पास कि ऐसा बना के बताएं, तो लेकिन 2 से 2.5 साल में बना के बताएं, तो मैंने ये 2 से 2.5 साल में बताया। ये देखिए इस तरह से ये हमने ये लंबे बनाई थी इसके मोहरी, ये इस तरह से हम इसे फोल्ड करके शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है, मैं आपको वो पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पिक है, सेम यही बनाया है हमने, ये देखिए, और सेम यही देखिए ईयर है, ईयर्स भी हमने ये यहाँ पे बना लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये बनाया है मैंने 2.5 साल तक के बच्चे के लिए। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आप भी बनाइएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि मैं आगे फिर से आपके साथ कोई अच्छा और लेटेस्ट प्रोजेक्ट शेयर करूँ तो वो उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर आपका ये रोमपर बनकर हो जाता है रेडी। ये देखिए बटन मैंने लगा दिए हैं इस तरह से, बहुत ही, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रोमपर बना है। ये देखिए इसके स्लीव्स, ये देख लीजिए, एंड दिस इज़ द लुक। ये कान है, आप इस तरह से देखिएगा पूरा रोमपर। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बना है ये रोमपर। ये मुझे किसी ने बोला था कि मतलब एक पिक थी 6 मंथ के बेबी की, 0 to 6 मंथ के बेबी के उसकी पिक थी मेरे पास कि ऐसा बना के बताएं, तो लेकिन 2 से 2.5 साल में बना के बताएं, तो मैंने ये 2 से 2.5 साल में बताया। ये देखिए इस तरह से, ये हमने ये लंबे बनाई थी इसकी मोहरी, ये इस तरह से हम इसे फोल्ड करके शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है, मैं आपको वो पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पिक है, सेम यही बनाया है हमने, ये देखिए, और सेम यही देखिए ईयर है, ईयर्स भी हमने ये यहाँ पे बना लिए हैं। ये देखिए, तो ये बनाया है मैंने 2.5 साल तक के बच्चे के लिए। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आप भी बनाइएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि मैं आगे फिर से आपके साथ कोई अच्छा और लेटेस्ट प्रोजेक्ट शेयर करूँ तो वो उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।